वेलकम टू मार्वल फ्यूचर फाइट इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ मार्क 85 के बारे में, जो कि यहाँ पर लीक निकल के आया हुआ है, जो कि कंफर्म है और काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि ये सही आर्मर है। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ कुछ हमने इसमें कुछ डिटेल्स मिलती है क्या, और गेम में एंड गेम जब रिलीज़ होगा तब आयरन मैन के सूट में कितना अपग्रेड होगा, कितना उसका पावर लेवल बढ़ेगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो यहाँ पे आयरन मैन के यूनिफॉर्म को अगर हम लोग देखें ठीक से, तो यहाँ पर पीछे की तरफ में एक ब्लास्ट या बूस्टर टाइप लग रहा है, जो कि आयरन मैन को पीछे की तरफ से बूस्ट देगा। काफ़ी लंबा डायलॉग बोला मैंने। उसके बाद यहाँ फ्लाइंग वाला है लग रहा है, और जो बैकग्राउंड इमेज है उसके अंदर ऐसा लग रहा है कि टाइटन पे फाइट होने वाली है वापस से। उसके बाद सूट में यहाँ पर वापस से मार्क 41 या मार्क 42 का, जैसे यहाँ पर इसका सिल्वर गोल्डन कलर दिया हुआ है, जो कि देखने में काफ़ी कूल और ऑसम लग रहा है। उसके बाद में यहाँ पर चेस्ट के निचले वाले हिस्से में काफ़ी अच्छा बॉडी डिज़ाइन किया हुआ है। माना कि ये टॉय है, लेकिन फिर भी अगर मूवी में आता है सूट तो काफ़ी ज़बरदस्त और तगड़ा होगा। मैं होप और एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ कि इसके ब्लास्टर्स नॉर्मल अटैक्स काफ़ी बेहतर होने चाहिए, अपग्रेड बहुत ही ज़्यादा, तभी जाके न्यू प्लेयर्स इस यूनिफॉर्म को खरीद के बेस्ट से बेस्ट स्टेज क्लियर करने लायक कम से कम गेम डेवलपर इतना तो कर ही सकता है। उसके बाद में ये थैनोस का भी यहाँ पर है। मैं इसके इमोज ज़्यादा मैंने डाउनलोड नहीं किया, क्योंकि इसके हाथ में स्वॉर्ड है, इन्फिनिटी स्वॉर्ड, तो ज़्यादा कुछ इसमें इमेज में देखने लायक नहीं था, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ इसके इमेज डाउनलोड नहीं किया। जितना नॉर्मल है उतना ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो इसका इसके हाथ में अभी भी काउंटलेट लगा हुआ है इन्फिनिटी स्टोन के साथ, और बाकी सभी इन्फिनिटी स्टोन्स इसके हाथ में है। लेकिन अभी देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर टाइम स्टोन मिसिंग लग रहा है। नहीं है, है 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 सॉरी माय मिस्टेक, वहाँ पर है टाइम स्टोन, वहाँ पर है। उसके बाद में आयरन मैन का ये पिछला वाला और आगे का पूरा आगे पीछे का पूरा लुक यहाँ पर देखने को मिल सकता है हमें। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ हमें लीक मिलता गया या फिर कोई भी चीज़ जो गेम में अपडेट आने वाली हो, हैंड से लेके इसका कॉम्बैट तक यहाँ पर पूरा यहाँ पर दिखाया गया है, यानी किस तरीके का इसका सूट होने वाला है। देखिए गेम में इसका क्या डैमेज होगा इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। होप और एक्सपेक्टेशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, शरण रोजर से भी ज़्यादा पावरफुल, तब जाके कुछ मज़ा आएगा आयरन मैन का यूनिफॉर्म लेकर। यानी टोटल हमें पैसा वसूल कैरेक्टर चाहिए चाहिए, और साथ में इसका यूनिफॉर्म भी चाहिए पैसा वसूल। यानी लेने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि अफसोस हो गया, अरे इतना दम नहीं था, ऐसा वर्ड इस सूट के बारे में निकलना नहीं चाहिए। तो मैं होप और एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, जितना ज़्यादा ताकत हो उतना अच्छा। जब भी थोड़ी देर पहले मैंने लाइव करने की कोशिश किया था, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं ठीक तरीके से लाइव नहीं कर पाया, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और वापस से मैं लाइव करूँगा। लेकिन देखता हूँ अभी, टाइमिंग के ऊपर डिपेंडिंग करता है वो प्लेस और वेदर के हिसाब से। तो आज का वीडियो बस इतना ही, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू। और कोई भी लीक निकल के आता है बाकी कैरेक्टर से रिलेटेड, यूनिफॉर्म से रिलेटेड, तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू। अपडेट आ जाएगा 26 अप्रैल के पहले, 20 तारीख तक आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। स्नेक पीक आएगा तो मैं बता दूंगा पक्का कन्फर्म।